गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज मोनल सिकरवार। आई होप यू ऑल आर वेल ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फिफ्थ की ईवीएस की बुक है और आज हमें पढ़ना है लेसन 20, हुज फॉरेस्ट। डॉटर ऑफ द जंगल, मतलब जंगल की बेटी। लुक एट द पिक्चर, यह पिक्चर देखिए। वेयर डू यू थिंक दिस चिल्ड्रंस आर ऑफ टू विथ लिटिल बंडल्स ऑफ देयर स्टिक्स व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वॉन्ट टू गो विद देम। मतलब इस पिक्चर में देखिए, ये सारे बच्चे स्टिक्स यानी डंडे के एक उस पर एक पोटली बांध कर कहाँ जा रहे। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, देयर आर जंप रन, क्लाइंब ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक। मतलब वो सब कहाँ जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो वहाँ पे कूदेंगे, दौड़ेंगे, पेड़ों पर चढ़ेंगे, गाने गाएंगे, खेलेंगे। और वो गाने किस लैंग्वेज में गाएंगे, उनकी कुडुक लैंग्वेज है उसमें। दे पिक द फॉलन फ्लावर्स एंड लीव टू वीव्स देम इनटू नेकलेस। मतलब वो वहाँ के फूलों को और पत्ते को इकट्ठा करके वीव्स यानी नेकलेस, मतलब जो हार वगैरह बनाते हैं वो फूलों के बनाएंगे। दे इन्जॉय द वाइल्ड फ्रूट्स, दे लुक द बर्ड्स हुज कॉल दे इमिटेट जॉइनिंग देम इन ऑल द फन इन देयर फेवरेट दीदी सूर्यमणि। और वो क्या करेंगे, वहाँ पे बर्ड्स वगैरह सब देखेंगे और ये सब वो किसके साथ कर रहे हैं, उनकी फेवरेट दीदी है एक सूर्यमणि, उनके साथ में वे जंगल जाएंगे और वहाँ जा रहे हैं और उनके साथ वो सब इन्जॉय कर रहे हैं। एवरी संडे सूर्यमणि टेक द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट, एज दे मूव अराउंड शी शो देम हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रीज द प्लांट एंड द एनिमल्स। मतलब हर संडे सूर्यमणि दीदी जो थी वो सारे चिल्ड्रंस को जंगल ले आती थी और वहाँ पर जानवरों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पत्तों के बारे में सब उनको बच्चों को बताती थी और उनको पहचान सिखाती थी। चिल्ड्रन इन्जॉय दिस द स्पेशल क्लास इन अ फॉरेस्ट, सूर्यमणि ऑलवेज सेज टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक। मतलब सूर्यमणि दीदी के साथ में सब जंगल जाते तो वो उनके लिए स्पेशल डे होता था और वो सूर्यमणि दीदी के साथ में ये सब चीज़ों को याद करते थे, बुक में पढ़ते थे कि क्या पेड़ों का इम्पोर्टेंस जंगलों का हमारे लिए क्या होता है। शी सेज वी आर फॉरेस्ट पीपल एडवाइजेस, और वो सलाह देती थी कि हम कौन है, जंगल मतलब फॉरेस्ट पीपल हैं। आवर लीव्स लाइव्स आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट, इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन। मतलब वो कहती थी कि हमारी जो लाइफ है वो किससे जुड़ी हुई है, जंगलों से जुड़ी हुई है और हमें इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। ग्रोइंग अप, सूर्यमणि लव्ड द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। मतलब सूर्यमणि दीदी कब से जंगलों से प्यार करती हैं, जब से वो छोटी थी। शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू द स्कूल बट वुड चूज द पाथ थ्रॉट द फॉरेस्ट। वो सीधे स्कूल जब जाती थी तो रोड से नहीं जाती थी, वो जंगलों से होकर जाती थी। सूर्यमणिज फादर हैड अ स्मॉल फील्ड, हर फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दिस इन द बाजार। मतलब उनके जो पापा की फैमिली थी वो क्या करते थे कि जंगलों से पौधों की पत्तियां, फलों को इकट्ठा करते थे और उसे सेल आउट करते थे, बेचते थे। हर मदर वुड लीव्स बास्केट फ्रॉम बैम्बू और मेक लीव प्लांट प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स, बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। मतलब उनकी मदर क्या करती थी, पेड़ों से पत्तियां जो खिड़ती थी उनको बीन कर लाती थी और उससे प्लेट्स बनाती थी। आपने सुना ना, अपन देखते पत्तले जो बनती हैं पत्तियों से वो, और उनको फिर बेचते थे। दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर कम देयर, द पीपल ऑफ सूर्यमणिज विलेज वर अफ्रेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, एवरी एक्सपेक्टेड बुधियामाई शी वुड से वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट, वी टू लुक आफ्टर We look after our forest. We don't cut trees like this contractor do. The forest is like our collective bank, not your or mine alone. We take from it only as much as we need. We does not up for our wealth. मतलब कि एक वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर आया शंभू नाम का और वो जंगलों के कटाई करके उस पर बिजनेस करना चाहता था, लेकिन वहाँ एक बुधिया माई थी और वो क्या, उन्होंने मना कर दिया कि जंगल हमारी संपत्ति है और हमने इसे बहुत ही संभाल के रखा है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टर को उसे नहीं काटने देंगे, ऐसा बुधिया माई ने कहा था।
सूर्यमणि'स फादर कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली नो द फॉल स्मॉल लैंड ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव sometimes there would be no food in the house at times maniya chacha uncle would send some grains from his small stock to suryamani's house matlab suryamani ke jo father the wo sirf isi pe depend the to unke ek samay aisa aaya ki unke ghar mein khane ke liye nahi tha to unko unke ek uncle the maniya chacha wo unke liye khane ka saman lekar aaye unke ghar par suryamani ke papa ke yahan चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सुरमनी इन द स्कूल इन बिशनपुर हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस यूनिफॉर्म एंड बुक्स सुरमनी वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी मतलब चाचा चाहते थे कि वह वहाँ पे बिशनपुर के स्कूल में सुरमनी का एडमिशन दिला जाए वहाँ पे उनको फीस भी नहीं भरनी पड़ती थी और यूनिफॉर्म बुक्स सब वहीं से मिलता था Surumani did not want to leave her village and forest. लेकिन Surumani अपना गांव और जंगल छोड़ना नहीं चाहती थी But Maniya Chacha was firm. If you do not study, what will you do? Go hungry. मतलब उन्होंने कहा यदि तुम पढ़ोगी नहीं तो फिर क्या करोगी भूखी मरोगी Surumani would argue. और Surumani argue यानी बहस करती Why should I go hungry? क्यों मैं भूखी क्यों मरूंगी The jungle is there to help. Chacha tried to explain. मतलब जंगल है ना मेरी मदद के लिए लेकिन चाचा उसको समझाते हैं बट वी आर बींग मूव्ड अवे फ्रॉम अवर फॉरेस्ट इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियर इन देयर प्लेस माइंस आर बींग डग डैम आर बींग बुल्ट बिलीव मी इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉस मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव अवर फॉरेस्ट यंग Surumani लिसन्ड एंड ट्राइड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ वॉट ही सेड मतलब कि चाचा कहते हैं कि देखो हम जंग पढ़ लिख के भी जंगलों के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं तो इसलिए वो उनको समझाते थे Surumani सुनती और समझती हैं उनकी बात को चाचा की Surumani की अब यहाँ पर Surumani की लाइफ की जर्नी बताई है Surumani वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट बिशनपुर द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट Surumani स्टडीज हार्ड एंड पास हर BA मतलब Surumani ने बिशनपुर के स्कूल में एडमिशन लिया उन्होंने BA पास करा आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप भी पाई शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस वो गांव की पहली लड़की थी कि जिनको अच्छा पढ़ी लिखी थी और BA करने के बाद उनको स्कॉलरशिप मिलती वाइल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वासवी दीदी अ जर्नलिस्ट उनको कौन मिली कॉलेज में वासवी दीदी Surumani soon joined her the work for the झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन उन्होंने Surumani ने क्या झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड मतलब ये पूरा Surumani ने उन दीदी के साथ में एक मूवमेंट छेड़ता दिस वर्क टुक Surumani टू फॉर ऑफ टाउन एंड सिटीज हर फादर डिड नॉट लाइक दिस बट Surumani कंटिन्यूज हर वर्क नॉट ओनली दैट शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द विलेज पीपल हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प हर इन दिस वर्क मतलब Surumani ने क्या करा कि जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन छिड़ा था जिसमें उनके बचपन के एक दोस्त थे बिजॉय उनसे उन्होंने उनकी बहुत मदद करी थी Surumani हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची उनकी एक और दोस्ती मिर्ची हु स्टेड हर विद द डे एंड नाइट Surumani वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विद मिर्ची मतलब उनकी एक फ्रेंड थी जो सुबह से दिन रात उनकी मदद करती थी तो Surumani ने अपने सारी बातें उनसे मिर्ची से शेयर करती थी मिर्ची वुड लिसन एंड से की Surumani हैड अ ड्रीम फॉर हर कुडुक कम्युनिटी शी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बींग एडवाइजर मतलब मिर्ची कौन था मिर्ची ये था तोता था जो Surumani का दोस्त था तो Surumani सारी दिल की बातें उनको बताती थी और वो की करके उनको हाँ बोलता रहता था Surumani का सपना था कि वो कुकुडुक कम्युनिटी मतलब उनका जो आदिवासी समूह था उसके लिए वो Surumani ने एक समुदाय बनाया था उनका वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड और वो पूरा समुदाय Surumani दीदी पर गर्व महसूस करता था
सूर्यमनीष तोरंग मतलब जंगल को क्या बोलते थे, तोरंग। सूर्यमनीष बॉय 21st वैन शी ओपन अ सेंट्रल विद द हेल्प ऑफ वास्पी दीदी एंड अदर शी कॉल्ड इट तरंग तोरंग विथ मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। कुडुक लैंग्वेज में जंगल को क्या बोलते थे, तोरंग। सूर्यमनीष वॉन्टेड दैट द ऑन फेस्टिवल पीपल शुड सिंग देयर ओन सॉन्ग, और वो कुडुक में ही सॉन्ग गाते थे उनकी खुद की भाषा में। दे शुड नॉट फॉरेस्ट देयर म्यूजिक एंड शुड इंजॉय वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लॉथ, मतलब उनकी ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनते थे और खुद ही की लैंग्वेज में गाकर म्यूजिक के बिना ही इंजॉय करते थे। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर मेडिसिन एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू बैम्बू, मतलब कि वहाँ पर बच्चे सीखते थे क्या मेडिसिन, जो दवाइयाँ बनती थी उनके बारे में आर्ट सीखते थे, बैम्बू से क्या क्या बनाया जाता है इन सब के बारे में, जंगल की चीज़ों से उपयोगी चीज़ें बनाना सीखते थे। चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विथ देयर ऑन लैंग्वेज, मतलब उन्होंने स्कूल की लैंग्वेज तो सीखी थी लेकिन फिर भी उनको किससे प्यार था, उनको खुद की कुडुक लैंग्वेज से। ऑल दिस हैपन इन द तोरंग सेंटर, एक तोरंग सेंटर जो था उसमें सारे मेंबर्स खुश रहते थे, मतलब उन्होंने सूर्यमणि दीदी ने जंगल के नाम से एक सेंटर खोला था। मेनी स्पेशल बुक अबाउट द कुडुक कम्युनिटी एंड अदर एडवाइजेस हैव बीन कलेक्टेड, मतलब इस पर बहुत सारी किताबें भी थी जो उनकी कम्युनिटी में के बारे में थी। फ्रूट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो कैप्ट देयर, उस जो उनका वो था तोरंग सेंटर था उसमें फ्लूट और बहुत सारे ढोलक इस तरीके के सामान बनाते थे और बेचते थे, तो वो वहाँ मिलते थे। वेयर एवर समथिंग इन अनफेयर और इफ समवन इन अफेयर दैट इज हिज लैंड एंड लाइवहुड वुड बी टेकन अवे, दे टर्न टू सूर्यमणि, सूर्यमणि फाइट फॉर एवरी वंस राइट्स, मतलब सूर्यमणि चाहती थी कि वे जंगलों के को सेफ रखे, इसलिए वो उसके लिए फाइट करती थी, उन अधिकार के लिए लड़ती थी। सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर, सूर्यमणि और जो बिजॉय थे दोस्त थे बचपन के, उन दोनों ने शादी कर ली थी। टुडे देयर वर्क इन प्रेस बाय मैनी पीपल, और उन्होंने इस कई आज के मतलब बहुत सारे लोग अपने काम में जुड़ते हैं। शी इन इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज शी टू शेयर हर एक्सपीरियंस, पीपल ऑफ हर एरिया आर ऑल्सो राइजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ, मतलब उन्होंने इन्वाइट किया था तो बहुत सारे लोग उनसे जुड़ गए थे, इवन फॉरेन कंट्री के लोग भी उनसे जुड़ गए थे, और वो उन सबकी सलाह मांगती थी और उनसे उनके अधिकारों के बारे में पूछती भी थी और उनसे सहमत भी हो जाती थी। ये दे रखा है लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणिज स्टोरीज, नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिजोरम, शी नाउ पीपल लिव ही देयर एंड हाउ फार्मिंग इज डन, मतलब कि अभी तक हम सूर्यमणि की स्टोरी पढ़ रहे थे, अब हम मिजोरम में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से फार्मिंग करते थे। डिंग 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 एज सून एज द स्कूल बेल रैंग लॉम इन आर डिंग डिंग डिगीमा पिक्ड देयर बैग्स एंड हरिड होम, मतलब डिंग 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 स्कूल की बैल बजती है और डिगीमा अपना बैग लेती है और स्कूल की तरफ दौड़ लगाती है। ऑन द वे दे स्टॉप इट टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इन अ कप मैट ऑफ बैम्बू विच वॉज कैप्ट देयर। टूडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, मतलब कि वो जब रास्ते में थी उनको प्यास लगती तो वो एक बांस का कप निकालती है और नदी में से पानी निकाल के पीती है, और आज कोई दूसरे बच्चे नहीं थे। इवन सीमा सर वॉज इन अ हरी टू गेट बैक, टूडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑन द विलेज काउंसलिंग पंचायत, एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विथ फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड एंड फार्मिंग, द लैंड बिलोंग टू द होल विलेज नॉट अ स्प्रेट पीपल, सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, मतलब कि वो जो थी स्कूल जाती है तो उस टाइम पे उनके सर भी नहीं आए थे, वहाँ पे एक पंचायत की मीटिंग थी उसमें डिस्कस किया जाता था कि अब सबके लोगों को बुला के उनकी फार्मिंग के बारे में डिस्कशन के लिए वो मीटिंग रखी गई थी। अ ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वॉज शेक्ड शेकन वेल, वन चिट वॉज टेकन आउट, सीमा सर्स फैमिली गॉट द फर्स्ट चेंज, ही सेड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट्स टू चूज फर्स्ट बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड, लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल, आफ्टर माई सिस्टर झीरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे, इट इज़ डिफिकल्ट टू
मैनेज फार्मिंग अलोन, मतलब उन्होंने बताया कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली ने सबसे पहले सपोर्ट किया है और उनकी बहन की जो जीरी उसकी लास्ट ईयर शादी होगी तो वो अकेले ही इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे जूम फार्मिंग के बारे में। जूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जूम फार्मिंग जो होती है बहुत ही रोचक होती है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, मतलब एक खेती कटने के बाद द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ अ फॉर सम ईयर्स, मतलब जमीन को छोड़ दिया जाता है कुछ सालों तक, नथिंग इज ग्रोइंग देयर, उस पर कुछ भी उगाया नहीं जाता। द बम्बू और वीट और वीट विच ग्रो ऑन द लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, दे आर कट द बंट द आश मेकिंग द लैंड फर्टाइल वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। वैन द लैंड आर रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ अ लाइटली डग अप, नॉट प्लग्ड सीड्स आर ड्रॉप ऑन इट। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लाइक मेस वेजिटेबल्स चिलीज राइस कैन बी ग्रोन, मतलब कि जो बैम्बू और वीड्स की जो खेती लगाई जाती है तो उसको जब नष्ट करने के लिए उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद में फिर क्या होता है कि उसको केयरफुली जलाते हैं कि आसपास के खेतों में आग ना लगे, और फिर दूसरी खेती जो होती है वेजिटेबल्स चिलीज राइस इन सब की खेती को उसमें लगा दिया जाता है। वीड्स एंड अदर अनवॉन्टेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट सो दैट दे गेट मिक्स विद द सॉइल, दिस ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टिलाइज। If some family is not able to do farming on time, other help them and are given food. The main crop here's a rice. After it is cut, it is difficult to take it home. मतलब कि सबसे ज़्यादा difficult क्या होता है? Rice मतलब चावल की खेती होती है. There are no roads, only hilly path. People have to carry the crop on their back. This taken many weeks, मतलब कि वो ऐसी जगह होती है कि लोगों को उसको केयरफुली इकट्ठा करना और घर तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रास्ता बहुत कठिन होता है। When the work of over the entire village celebrate, people got together to cook and eat, sing and dance, मतलब जब पूरे चावल की खेती आती है तो उसके बाद में लोगों उसको सेलिब्रेट करते हैं और डांस करते हैं, उसको एक साथ समुदाय में मिलकर बनाते हैं और खाते हैं। दे डू देयर स्पेशल चीफ्स डांस, इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर इन फ्रंट ऑफ इच अदर होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड, वो सब क्या करते हैं फिर जोड़ियों में इकट्ठा होकर एक ग्रुप में डांस करते हैं और बैम्बू स्टिक ले लेते हैं। एज द ड्रम बीट फाइंड आउट मोर अबाउट द चीफ डांस, डू इट इज योर क्लास बट इट केयरफुली एंड डोंट हर्ट योर सेल्फ। अबाउट 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट, लाइफ इज डिफिकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यू कैन सी सम देम हियर प्लेफुली ब्लोइंग देयर लीफ विजल्स इन, टू हैव मेड मैनी सच विजल्स हैव नॉट यू, मतलब कि वहाँ मिजोरम में क्या रहता है पहाड़ी एरिया है सब कुछ है लेकिन फिर भी लोग उसको लाइफ को इन्जॉय करते हैं, बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, उनकी दिनचर्या बिल्कुल वैसे ही चलती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका लेसन 20 में पढ़ा चुकी हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको PDF सेंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।